मेरा मीठा मीठा सलाम लीजिए एंड कंपनी का जो नियम है गुड मॉर्निंग। ये हमारे मेस्टी का जो गुड मॉर्निंग है ये इसलिए बोला जाता है कि भाई आपकी हर सुबह, कभी आपकी जिंदगी में अंधेरा ना हो, हमेशा सुबह हो, कोई भी टाइम होगा हमें गुड मॉर्निंग ही बोलना है। कहने के लिए तो हम बहुत कुछ आज हुए थे लेकिन टाइम की किल्लत के हिसाब से जो सलमान साहब ने ऑर्डर दिया है तो उसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, शायद एक आध मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये भारत की नंबर एक कंपनी है, एक मिनट की छूट है, भारत की नंबर एक कंपनी है ये। और कंपनी का जो है ये 2 जून 2004 को कंपनी का आगाज़ हुआ था। कंपनी ने जो है अपना एक साथ दो ऑफिस स्टार्ट किए थे बेंगलोर में और दिल्ली में। ये नेपाल में इसने इंटरनेशनल ऑफिस 2008 में स्टार्ट किया और दुबई में 2012 को स्टार्ट किया। इसके बाद जो है कंपनी का मिशन जो है वो 20 देशों में अपना परचम लहराना है 2018 तक। और कंपनी का जो है विजन जो है वो ये है कि आम आदमी को हम ऐसी हैसियत बना दें कि अगर उसने गाड़ी का सपना देखा है तो उसे गाड़ी मिल जाए। अब अपनी बात को हम कंपनी के दर्ज हट के और कंपनी के बिजनेस प्लान की तरफ हम आ रहे हैं। कंपनी का बिजनेस प्लान ये है कि ये हमारे 7 तरह से हमको प्रॉफिट देती है। पहला प्रॉफिट रिटेल प्रॉफिट है। एक प्रोडक्ट कंपनी का कोई भी हम ले लेते हैं तो उसकी एमआरपी से जो है जो होती है उससे हमको डीपी रेट में मिलता है 10 से 20% की छूट मिलती है, जो कि हमें तुरंत कंपनी जो है हमारी आईडी जो लग जाती है। असल एक चीज़ और है कि हमारी कंपनी का जो है एक नया रूल आ गया है कि एक भाई हमारे जो है उन्होंने यहाँ ट्रेनिंग में आए हैं लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि वो 18 साल के भी नहीं हुए। कंपनी का एक नया रूल आ गया है कि 18 साल से कम हम कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं ले सकते, तो उनका जो है इसलिए उनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है। अच्छा, उसके बाद ये है कि कंपनी जो है जो प्रोडक्ट देती है तो 10 से 20% जो है प्रॉफिट ये पहले दे देती है। इसके बाद जो है आपका परफॉर्मेंस जो बोनस है वो दूसरा प्रॉफिट है। वो दूसरा प्रॉफिट इस तरह मिलता है कि हमने जैसे हमने 10,000 की कोई भी चीज़ इनसे खरीदी, प्रोडक्ट खरीदा है, तो 60% ये बिजनेस वैल्यू हमको देते हैं। यानी बिजनेस वैल्यू 60% हो गया, यानी कि 10,000 का हमारे 6,000 बिजनेस वैल्यू मेरे पास हो गया। अब उसमें है क्या कि हमको 60% का जो बिजनेस वैल्यू हमारे पास है तो कंपनी का नियम है कि 5% से 20% में ये फिर प्रॉफिट हमको देती है। अब वो स्लैब वाइज है, यानी कि 16 से हमारा स्टार्टिंग होती कंपनी, 16 से 8,000 तक 5%, 8,016 से जो है हमारा 32,000 तक जो है 8% हो जाता है, 32,016 से आपका बढ़ के 72,000 तक 11%, और 72,016 से ये 1,20,000 तक हमारा हो जाता है 14%, और 1,20,016 से 1,60,000 तक जो है हमारा ये बिजनेस जो है हो जाता है, हम आ जाते हैं 17% पे। और 1,60,000 जैसे ही प्लस करते हैं बिजनेस वैल्यू जो है प्लस होते हैं तो हम 20% पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टर बन जाते हैं। और डायरेक्टर बन गए, हमको कंपनी एक डायरेक्टर की उपाधि दे देती है। अब हमको डायरेक्टर बोनस, तीसरा हमारा फंड है डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस कब मिलता है? जब हम 55,000 अपना जो है बिजनेस हमको कंपनी को देते हैं एक महीने के अंदर, तो हमको डायरेक्टर बोनस दे देते हैं। अब तीसरा होता क्या है कि अब हमको 14 प्राइवेट ट्रैवल फंड है उसके लिए उसके ट्रैवल फंड के लिए जो है हम एक अपनी डुप्लीकेट तैयार करते हैं। वो हमारा जो है डायरेक्टर अगर 55,000 की वो करता है और हमारी 48,000 हो जाती है तो हमको ट्रैवल फंड मिलता है। सेकंड, हमारा वही डायरेक्टर 1.5 लाख की सेल दे देता है तो हमको LOB मिल जाती है, जो कि 5वां प्रॉफिट है हमारा, और वो हमारा 15% है, कंपनी का बहुत बड़ा प्रॉफिट है। उसके बाद दो डायरेक्टर, एक डायरेक्टर हमारा और बनाते हैं तो हम गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं। एक डायरेक्टर में सिल्वर डायरेक्टर, दो डायरेक्टर में गोल्ड डायरेक्टर, हमारी एक जो हमारी जिम्मेदारी है वो 40,000 हो जाती है। उसके बाद जो है हमारे दो डायरेक्टर जब नीचे हो जाते हैं, 3 डायरेक्टर हमारे हैं, 3 महीने तक हम 55,000 जो है मेंटेन रखते हैं तो हमको कार फंड मिलता है, जो कि कंपनी का पूरे ऑल टर्नओवर का 5% है, वो हमको डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद छठा प्रॉफिट जो है हमारा कार फंड, सॉरी, उसके बाद 3 डायरेक्टर जो है, चौथा डायरेक्टर बनाते हैं तो हम डायमंड डायरेक्टर बन जाते हैं। डायमंड डायरेक्टर में प्रॉफिट नहीं होता है लेकिन 2 डायरेक्टर और बनाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी नील हो जाती है, नील हो गई और हमको हाउस फंड भी मिलने लगता है। बुलाना चाहूँगा, बहुत जबरदस्त।